मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में पहली बार सस्ते दरों पर गरीबों के लिए ओपीडी शुरू। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में हजारों कामगार काम करते हैं, परंतु वे समय पर अपनी किसी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की कंसल्टेंसी फीस गरीब कामगार नहीं दे पा रहे हैं। कई बार तो कामगार दवा विक्रेता की दुकान से ही दवा बीमारी बताकर खरीद कर लेकर खा लेते हैं। इससे कभी वो ठीक तो कभी ठीक भी नहीं हो पाते और अधिक बीमारी बढ़ जाती है। सरकारी अस्पताल में कामगार इसलिए नहीं जाकर दवा ले पाते हैं क्योंकि कामगार को छुट्टी करके सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है तो उसके पगार का नुकसान हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बोईसर में पहाड़ियों द्वारा शुरू की गई हिमालयन हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एक ओपीडी यशवंत प्लाजा में शुरू की गई। उक्त ओपीडी में मात्र 50 रुपये में गरीब मरीज डॉक्टर से सलाह और दवा ले सकता है। उक्त ओपीडी में डॉक्टर मोनाली स्वामी रोजाना शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों को जांच करके उनको 50 रुपये में दवा देंगी। ओपीडी का उद्घाटन उद्योगपति राजेंद्र सिंह चौहान के करकमलों से किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष पूरण सिंह पटवाल, उपाध्यक्ष अरुण पांडे, सेक्रेटरी कैलाश पांडे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बहादुर सिंह गुसाई, कोषाध्यक्ष DS बगड़वाल, उप खजिनदार अमित रावत उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। सर जी, हिमालयन हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे एक ओपीडी शुरू की जा रही है जो मात्र 50 रुपये प्रति पेशेंट देखी जाएगी। डॉक्टर को भी नियुक्त किया है आपने, क्या विचार है और किस विचारधारा को लेकर आपने ये ओपीडी शुरू की है? एक्चुअल हिमालयन हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हमने 2010 में पंजीकृत किया था और तब से अधिकतर आज तक हम लोग जो है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम हर साल जो है 225 के करीब ब्लड डोनेशन के जो है अब कैंप करते हैं। 225 के करीब जो हमारे यूनिट होते हैं हर साल में होता है, जैसे कि पिछली बार भी हमने बनाया था एक वीडियो, तो उस टाइम भी जो है 100-200 करीब हमारे यूनिट हुए थे। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि एक OPD चालू की जाए जो कि गरीब तबके को सहायक हो। तो इसमें हम जो है केवल 50 रुपये में अपना जो है कंसल्टेशन के साथ दवाई भी प्रोवाइड करें। तो हमारा बस ये है कि ये चैरिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो चैरिटी करनी है और यहाँ के लोगों के लिए करनी है। इसमें कोई ये नहीं कि हिमालयन जो हमारा उत्तराखंड का ट्रस्ट है उसी के लिए करनी है, सब लोगों के लिए ये ट्रस्ट है हमारा।